कोरोना महामारी के बीच राजधानी पटना के मीठापुर बस स्टैंड से अवैध रूप से बसें चलाए जा रहे हैं। चार बसों को आज पटना के एमबीआई के अधिकारियों ने जब्त किया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें जक्कनपुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा ने अपने साथियों के साथ एमबीआई अधिकारियों का सहयोग किया और फिर पटना के बस स्टैंड से चार बसों को जब्त किया। इस पूरे मामले पर पटना के एमबीआई अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से सूचना आ रही थी कि बस स्टैंड में अवैध तरीके से बस चलाया जा रहा है, जिसके उपरांत आज हम लोगों ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि बसों के ऊपर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी कोविड-19 में अभी बसेस चलने की मनाही है, तो हम लोग को सूचना मिली कि बसेस कुछ खुल रही हैं वहाँ से पैसेंजर लेकर, तो सूचना के आधार पे हम लोग आए और उसको पकड़े और सीज किए। उस पर फाइन होगा और एफआईआर भी होगा। कितने बसें पकड़ी गई? चार बसें पकड़ी गई और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कहाँ की बसें थी? एफआईआर दर्ज भी सब अलग अलग जगह की बसें हैं। कोई जहानाबाद नंबर है, तो कोई मुजफ्फरपुर नंबर है, कोई आपका सिवान नंबर है, सब अलग। हाँ, लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में इन लोगों पर केस दर्ज भी होगा क्या? हाँ, केस भी होगा, एफआईआर करेंगे इंस्पेक्टर साहब। हाँ, हम लोग के तरफ से सीजर हुआ है फाइन के लिए, परिवहन विभाग की तरफ से। ओके, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज, पटना।